मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियोस की नई नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो गाइज, आज का जो व्लॉग का इंटेंशन है वो कुछ अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वेव 2 के लॉकडाउन को लेकर। सो मैं आपको बताऊंगा कि वेव 2 का लॉकडाउन में बाहर क्या माहौल है और बाहर किस तरह की नाकाबंदी लगी है और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइज, ब्लॉग को शुरू करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एम एस ए व्लॉग्स मुंबई। तो बात ऐसी है, क्या जो पिछले साल का जो लॉकडाउन लगा था, आप सभी लोगों को पता है पिछले साल के लॉकडाउन में कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो हम सबको करने पड़ रहे थे, जैसे कि बाहर निकलने के लिए एसेंशियल सर्विस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और साथ में अगर तुम बाहर रोड पर जा रहे हो तो बम्बू खाने का भी बहुत ज़्यादा आशंका थी, और उसी के साथ में अगर हमको कुछ चीज़ें खरीदनी थी तो मॉर्निंग का एक टाइम स्पेसिफाई फिक्स किया गया था कि इतने टाइम से आपको इतने टाइम पे चीज़ें मिलेगी। सो ये सारी चीज़ें जो थी लास्ट टाइम के लॉकडाउन में थी, बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट लॉकडाउन इस बार के लॉकडाउन में इतनी सारी चीज़ों का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं दिया है, क्योंकि बहुत से लोग सारे परेशान रह चुके हैं पिछले साल, तो शायद से इस बार इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है। जैसे कि जो पूरा लॉकडाउन कहा गया था 15 दिन का, जो 14 तारीख से 1 तारीख तक का है, तो इस लॉकडाउन में भी कुछ चीज़ें सिमिलर है, जैसे कि मॉर्निंग में जो बाज़ार खुलेगा 7 to 11 रहेगा उसका टाइमिंग, और एसेंशियल सारी सर्विसेज चालू रहेगी। बट उसके अलावा मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब लास्ट टाइम मैं लॉकडाउन में बाहर था तो ना तो कोई पब्लिक चलने वाली पैदल बाहर चलती थी, ना तो लोग जो एसेंशियल सर्विस के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो भी बाहर नहीं निकलते थे। जब कल मैं अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकला तो साइन टी जंक्शन में मुझे नाकाबंदी में पकड़ लिया गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, क्या वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही थी जिन लोगों ने रेड वाला, ग्रीन वाला और येलो वाला स्टिकर लगाया था, स्पेशली उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा रुकाया जा रहा था, उनसे आईडी कार्ड पूछा जा रहा था और परमिशन लेटर पूछा जा रहा था एसेंशियल सर्विस का। तो हुआ यूँ, जब मैं वहाँ से नाकाबंदी क्रॉस कर रहा था तो एक कांस्टेबल ने मुझे रुकाया, उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहा हूँ, मैं बोला अपने ऑफिस से आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मुझे आप अपना आईडी कार्ड बताइए। मैंने अपना आईडी कार्ड बताया, तो मैं एक आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, उन्होंने बोला एक आईटी का एसेंशियल मैन नहीं आता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपको एक लेटर दिखाना होगा, अगर आपके ऑफिस वाले ने आपको लेटर प्रोवाइड किया है तो आप प्लीज़ वो लेटर प्रोवाइड किया है तो आप हमें बताइए तो हम आपको जाने देंगे। जो कि मेरे पास लेटर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ पर कम से कम आधा घंटा बहुत उनको कन्विंस करना पड़ा। मैं रोज़े का टाइम हो चुका था ऑफिस से, जब घर ऑफिस से निकला था 6 o'clock के आसपास कुछ, घर पहुंचना था मुझे 7 o'clock से पहले, बट मुझे वहाँ पर रोक लिया गया 6:30 6:25 के आसपास। तो तकरीबन 6:45 या 7 बजने ही वाले थे क्या मुझे उन्होंने रिलीज़ किया वहाँ से। उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम आप निकलोगे तो आपके पास लेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लेटर भी ऐसा होना चाहिए उस पर एसेंशियल सर्विस रिक्वायर्ड उस पर मेंशन होना चाहिए, या तो फिर अगर उस पर मेंशन नहीं है एसेंशियल सर्विस का, या तो फिर आपको महाराष्ट्र पुलिस का वहाँ पर आपको अप्रूवल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो याद रखिए बात ध्यान से कि आपकी गाड़ी जमा हो सकती है, और जमा होगी तो काफ़ी अरसे तक आपकी गाड़ी जमा रहेगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को तकलीफ़ हो, इसलिए आप अपने घर से निकल रहे हो, अगर एसेंशियल सर्विस है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो आप घर से निकले, वरना आप घर पर बैठे रहे लॉकडाउन का मज़ा ले। सो बात अभी हो गई हमारी लॉकडाउन में नाकाबंदी की, तो अभी हम बात करेंगे प्रिकॉशन को लेकर। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है वापस से कोरोना वायरस का एक बार फिर से बहुत बड़ा लश्कर आ चुका है, तो इस लश्कर से बचने के लिए हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमें सैनिटाइज़ करना है हाथ को, मास्क को बिना लगाए घर से बाहर ज़रूर भी बिल्कुल भी ना निकले। अगर आप मास्क को लगा के बिना बाहर निकलते हो तो दो चीज़ का खतरा है, एक तो आपकी जान जा सकती है, दूसरे आपके पैसे जा सकते हैं। आपको पैसे भी बचाना है, जान भी बचाना है, क्योंकि दोनों भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी के लिए इस लाइफ, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में। तो मेरा ख्याल है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों को बता दूँ, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं आपको उनको बताना चाहूँगा कि मेरा जो स्पेशल जो ब्लॉग का जो चैनल बनाने का इंटेंशन था वो मोटो ब्लॉगिंग था, बट इस लॉकडाउन को लेकर मैं कहीं पर मोटो ब्लॉग के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, ना ट्रैवल ब्लॉग बना पा रहा हूँ ना मोटो ब्लॉग बना पा रहा हूँ। बट बहुत जल्दी मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी है, जैसे पूरी तरह से मतलब पूरा माहौल एकदम सही हो जाएगा, जैसे कि पहले जैसा हो जाएगा, जैसे कि लॉकडाउन में मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हो विदाउट एनी परमिशन, तो शायद नहीं बिल्कुल पक्का मैं जाऊँगा। बहुत सारी जगह पर मुझे जाना है, तो मैं कहाँ कहाँ पर जाऊँगा मुझे वो तो नहीं पता, बट मैं निकल जाऊँगा और मैं घूमना चाहता हूँ बस। बहुत टाइम हो गया घर पर कैद होते होते,
अभी पक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। देखो दो चीज़ ज़िंदगी में होना चाहिए, काम और घूमना। काम काम की जगह पे, घूमना घूमने की जगह पे, दोनों का एक जगह पे कभी नहीं मिलाना। आप अगर काम कर रहे हो तो अपना पूरा दिमाग फोकस काम पे रखना है। जब आप घूमने निकल जाओगे तो फिर उस समय काम को आपको बाजू में रख के सिर्फ आपको घूमना है। तो अभी जब मुझे कोई अच्छा वक्त मिलेगा, अच्छा वेकेशन मिलेगा, अच्छी छुट्टी मिलेगी, तो मैं ज़रूर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगा। सो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर।